सावन जी, आपने बहुत सी फिल्में की हैं, आपके हिसाब से उनमें से सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है? मेरी बहुत अच्छी फिल्म जिसे मैं बहुत दिल से चाहता हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो थी साजन बिना सुहागन। एंड दो अदर फिल्म्स वर आल्सो वेरी बिग हिट्स एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ देम डिडंट डू वेल, लेकिन साजन बिना सुहागन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कहा गया है कि मदर 98 एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, अगर ऐसा है तो सेंसर बोर्ड के साथ प्रॉब्लम क्यों हुई? You see, this film is a very good film, neat and clean. Censor board has not objected to the theme of the film. Unka objection ek gaane ki kuch lines pe tha, kuch shabdon pe tha. To phir finally unhone meri request ko agree kar liya aur kuch lines change karke usko clear kar diya. Ek shabd pe tha, whole word pe. So I accepted that because उनके ख्याल से वो गलत लगता है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके ख्याल से गलत लगता है तो इसको हम डब कर देते हैं दूसरे वर्ड से। सो दीज आर द टू मेजर कट्स ऑफ द फिल्म। ओनली प्रॉब्लम वाज कि दे वांटेड टू गिव मी ए सर्टिफिकेट, उसके लिए मैं ज़रा परेशान था। देखिए, इतनी बड़ी फिल्म बनाते हैं, करोड़ों खर्चा होता है, और उसकी ऑडियंस को अगर आप लिमिटेड कर देते हैं तो एक फिल्म मेकर कैसे कवर करेगा पैसे। सो फिर बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो यूए हो गई और अभी क्लियर है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद सेंसर्स नाउ। सावन कुमार जी, आप अपनी फिल्म्स में हीरोइंस को प्रमुखता देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, यू सी, इट इज नॉट जानबूझ के, व्हाई नॉट वी मेक फिल्म ऑन वुमेन, बिकॉज वुमेन तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तीन ताकत में एक ताकत औरत है, एक जमीन, एक दौलत, एक औरत। तीन ही तो ताकत है दुनिया में जो सारी दुनिया को उथल फुथल करके रख सकती है। तो उसमें से एक औरत है जो जिसमें मूवमेंट है, जिसमें एग्जिस्टेंस है। दौलत लाइफलेस है, ज़मीन लाइफलेस है, सो उसके बारे में क्या फिल्म बनाएंगे आप? सो वुमेन इज़ द एक्चुअली थिंग विच एग्जिस्ट एंड शी हैज लॉट ऑफ शेड्स इन हर, सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स। मदर 98 में रेखा के रोल के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जो रोल रेखा का है वो एक इतना ह्यूमन कैरेक्टर है कि मेरे ख्याल है रेखा जी को इस वक्त, इस साल सारे अवार्ड्स मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड। एंड दिस फिल्म शुड बी अप्रिशिएटेड बाय ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। इन द ईयर ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम मी टू ऑल वुमेन ऑफ आवर कंट्री एटलीस्ट।